आप सबको नमस्कार। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है, अपने जीते जी मैं भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश देखना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ देश देखना चाहता हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि भारत एक अमीर देश बने, अमीर देशों में गिना जाए। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर बनेगा जब हर भारतवासी अमीर बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत तो अमीर देश हो गया और भारत के लोग गरीब रह गए, फिर तो अमीर देश नहीं हो सकता। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि सारे भारतवासी अमीर हो जाएं और भारत को गरीब देशों में गिना जाए, ये भी नहीं हो सकता। भारत अमीर देश बनने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैं हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। मेरे को अमीरों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेंगे? आप एक कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान है, एक गरीब मजदूर है, एक गरीब प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है। वो अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। पढ़ाई होती नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत छू रही है। तो वो बच्चा भी कुछ पढ़ लिखेगा तो है नहीं, फिर बड़ा होकर उसको भी कोई छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे, वो भी गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। हम सरकारी स्कूल को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत शानदार कर देते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर देते हैं उसकी। तो एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, इवन मिडिल क्लास का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता है और उसकी पढ़ाई बड़ी शानदार होती है और वो निकल के एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा बिजनेस करता है, तो वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, उसका परिवार अमीर बन जाएगा। है कि नहीं है? अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया, बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया, जैसे कल मैंने 26 जनवरी का भाषण दिया, 26 जनवरी के भाषण में मैंने कई उदाहरण दिए। एक कुशाल गर्ग है जिसके पिताजी प्लम्बर हैं, वो उसके पिताजी 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं। अब वो उसका ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर डॉक्टर, डॉक्टरी में एडमिशन हो गया। पिताजी 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन अब वो निकलने के बाद जब डॉक्टर बनेगा तो 3-4 लाख, कम से कम शुरू में ही 3-4 लाख रुपये महीना कमाएगा, तो उसका परिवार अमीर हो गया। देश में 17 करोड़ बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से अगर कुछ चंद स्कूल छोड़ दें जो अच्छे हैं, बाकी मोस्टली सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इनके माँ बाप इनको सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए भेजते हैं। माँ बाप बहुत गरीब हैं, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रह जाएंगे। अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे शानदार बना दें, बहुत अच्छे बना दें, और अगर ये सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दे, अगर ये सारे बच्चे बड़े होकर अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना शुरू हो जाएं, एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बना देगा। और जब एक एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बनाएगा तो मेरा भारत देश भी अमीर बन जाएगा। ऐसे बनेगा अपना भारत देश अमीर। तो अगर हम अपने 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो भारत को अमीर बना सकते हैं। अमेरिका अपने हर बच्चे को फ्री में शिक्षा देता है। क्यों देता है? इसलिए नहीं कि अमेरिका अमीर देश है इसलिए देता है। अमेरिका अमीर इसलिए बना क्योंकि वो अपने हर बच्चे को अमीर, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। अगर वो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना बंद कर दे, आज अमेरिका गरीब देश बन जाएगा। इंग्लैंड, इंग्लैंड अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। डेनमार्क अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है इसलिए अमीर है।
अमीर है इसलिए अच्छे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। अगर हमें भी अमीर बनना है, भारत को भी अमीर बनना है, तो हर भारतीय को अमीर बनना पड़ेगा। और अगर हर भारतीय को अमीर बनाना है, चार काम करने पड़ेंगे। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सबको शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सबको पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा, टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे, इन लोगों की दिल्ली में कराई हम लोगों ने। ये चार काम कर देंगे, भारत अमीर देश बन जाएगा, भारत का एक एक आदमी अमीर बन जाएगा। 5 साल में ये काम हो सकता है। दिल्ली में हमने 5 साल में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पूरे देश में भी 5 साल में हो सकता है, हमको करना आता है। आज मैं केंद्र सरकार को ये ऑफर देना चाहता हूं कि आप हमारी सर्विसेज यूज करो ना, हम भी तो इसी देश के हैं, राजनीति को साइड रख देते हैं, आप हमारी सर्विसेज यूज करो, हम आप सारे देश के सब लोग मिलके, 130 करोड़ भारतीय मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक करेंगे, सारी सरकारें मिलके ठीक करेंगे, ये हो सकता है। और इसको फ्री भी कहना बंद करो, अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक टाइम का पेट भी काटना, पेट एक टाइम की रोटी भी नहीं खानी होना, 130 करोड़ लोग उसके लिए भी तैयार हैं। और दूसरी चीज, सबके लिए अच्छा और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमने दिल्ली में किया है, 5 साल के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी दिल्ली के अंदर कि हर व्यक्ति को, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति को सारा इलाज मुफ्त है उसका, छोटी से बड़ी से बड़ी बीमारी तक सारा इलाज मुफ्त है। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो पूरे देश में भी हो सकता है। बस लगन ये चाहिए कि सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करना है। आज पूरे सरकारी सिस्टम का कबाड़ा करने में सारे हम लगे हुए हैं, सरकारी स्कूलों का भी कबाड़ा करने में लगे हुए हैं, जानबूझ के कई सरकारों के में सुनने में आता है, कई सरकारें जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कबाड़ा किया जा रहा है ताकि प्राइवेट में बच्चों को भेजना चालू कर दे, जानबूझ के सरकारी अस्पतालों का कबाड़ा किया जा रहा है, सरकारी डिस्पेंसरियों का कबाड़ा किया जा रहा है ताकि प्राइवेट अस्पताल फले फूले। इंश्योरेंस स्कीम निकाली हुई है, कहते हैं कि 5-5 लाख रुपए इंश्योरेंस, अगर आप अस्पताल में भर्ती होगे तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लेना। मान लो मेरे को बुखार हो गया, मेरे को कोई बीमारी हो गई, मैं अस्पताल में भर्ती नहीं, इतनी दवाइयां लेनी पड़ रही है, मेरा पैसा कहां, मैं कहां से लाऊंगा पैसा? और देश के कई इलाके ऐसे जहां अस्पताल है ही नहीं, उस इंश्योरेंस का कार्ड लेके मैं करूंगा क्या? मेरे को इलाज चाहिए, मेरे को इंश्योरेंस का कार्ड नहीं चाहिए। जब कोई सरकार इंश्योरेंस का कार्ड देती है तो कहती है भैया हमने तो वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, इसका मतलब हमने तो तुम्हारा, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने तो 5 लाख रुपए का कार्ड दे दिया। इसका मतलब वो सरकारी अस्पताल ठीक नहीं करना चाहते। हमें पूरे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को ये सुरक्षा चक्र मिल सकता है कि उसका सारा इलाज मुफ्त, छोटी से छोटी क्रोसिन से लेकर 20 लाख 40 लाख 50 लाख का भी ऑपरेशन होगा वो भी मुफ्त, पूरे देश में भी हो सकता है। इसके लिए अपने को खूब बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे, डिस्पेंसरियां खोलनी पड़ेगी, एक्सरे की मशीन लगानी पड़ेगी, एमआरआई की मशीन लगानी पड़ेगी अस्पतालों के अंदर, टेस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। हो सकता है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, अगर दिल्ली में हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है। ये सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने को। दिल्ली में हमने देखा, एक बार अस्पताल बना दो, सारी मशीन वशीन खरीद लो, उसके बाद 2000 रुपये एक आदमी का खर्चा आता है साल का एवरेज, औसतन। पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश का इलाज हो जाएगा। सबको सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और ये जितने अमीर देश हैं इन्होंने इंतजाम कर लिया, ये जितने अमीर इसमें इंग्लैंड में सबका इलाज मुफ्त है, सारा सरकार इलाज कराती है, सबका इलाज मुफ्त है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इनमें सबका इलाज मुफ्त है। हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। 5 साल में हो सकता है ये भी, हमने दिल्ली में किया, हमें करना आता है। मैं फिर से केंद्र सरकार से ऑफर कर रहा हूं कि हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करो, हमें, हम तैयार हैं आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। और इसको भी फ्री भी कहना बंद करो, 130 करोड़ लोगों का अपना परिवार है,
इस परिवार में कोई बीमार हो तो अपनी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कह सकते तू जाने तेरा काम जाने, पैसे हैं तो इलाज करा ले, नहीं पैसे तो।